गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल आई एम गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 8 ऑफ वैल्यू एजुकेशन सेफ्टी ऑन द रोड. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्सरसाइज. वी विल कम्प्लीट द एक्सरसाइज एंड रीडिंग पार्ट वी हैव डन इन पार्ट 1 वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट सेफ्टी रूल शुड बी फॉलो व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें कौन कौन सा सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. एज यू ऑल नो एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द चैप्टर, फर्स्ट यू हैव टू लुक राइट लेफ्ट एंड राइट देन क्रॉस द रोड. आपको पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है और तब क्रॉस करना है रोड. एंड द सेकेंड वन इज ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग. वेन एवर यू क्रॉस द रोड, आपको जब एक साइड से दूसरी साइड जाना होता है रोड का, तो यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ व्हाट इज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो यूज़ करनी चाहिए. थर्ड इज़ यूज़ फुटपाथ. वेन एवर यू वॉक ऑन द रोड, जब भी आपको रोड पे चलना है तो आप फुटपाथ, जो रोड की साइड में फुटपाथ होती है, तो आपको वो यूज़ करनी होती है. नाउ द फोर्थ वन इज़ नेवर रन ऑन द रोड. कभी भी रोड पे रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोड पे बहुत ज़्यादा बिजी होता है रोड. क्यों? क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स बहुत स्पीड में चलते हैं. व्हीकल्स जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत स्पीड में चलती हैं. नेक्स्ट, व्हाट माइट हैपन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल ऑन द रोड. क्या होगा अगर आप रोड पे केयरफुल नहीं होंगे. जब आप रोड पे केयरफुल नहीं होंगे तो क्या होगा. सो यू बेसिकली वी हैव टू फॉलो द रूल्स टू अवॉइड द एक्सीडेंट, टू अवॉइड इंजरीज, है ना, कि आपको चोट ना लगे कोई. अगर आप रोड पे भागेंगे तो आपको चोट लग जाएगी. और आप अगर फॉल्स रूल्स रेगुलेशन जो है ट्रैफिक रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है. राइट, सो दिस पार्ट इज़ योर होमवर्क. You have to do it at home. Fine. Next exercise we will do now. Should you jump at red line? आप jump कर सकते हो red line पे. What is this? Basically, this is the safety rules and we have to write yes or no. हमें yes or no लिखना है. Should we jump at red line? Red line जो होती है उस पर हम jump कर सकते हैं? No. नेक्स्ट, शुड यू गेट ऑफ अ मूविंग बस. क्या आपको चलती हुई बस से बाहर निकलना चाहिए. नो, यू मे हर्ट. अगर आप निकलते हो तो आपके हाथ पे चोट लग सकती है, आपको कोई भी हार्म हो सकता है. राइट, सो कभी भी चलती हुई बस या ट्रेन या कोई भी व्हीकल से बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए, कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकालना चाहिए. शुड यू पुट योर हैंड्स आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. क्या आपको अपने हैंड्स जो होते हैं हाथ, आपको बाहर निकालने चाहिए कोई भी चलती हुई गाड़ी से, व्हीकल से. नो. शुड यू वॉक ऑन द फुटपाथ. क्या आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए. यस. शुड यू वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड. क्या आपको रोड के बीच में चलना चाहिए. नो, दिस इज रॉन्ग. सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, द थॉट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. मीन्स सावधानी से दुर्घटना से सावधानी भली बोलते हैं. तो कभी भी कोई भी एक्सीडेंट या आपकी कोई भी आपके साथ हार्म या इंजरी हो, उससे बेटर है अगर आप सेफ्टी करके चलें. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.